नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़े। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नमस्कार, मैं हूं रीन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद भोले बाबा उर्फ सूरज पाल का बयान सामने आया है। बता दें, हाथरस में भगदड़ की घटना 2 जुलाई को हुआ था, लेकिन बाबा का बयान अब जाकर सामने आया है। बाबा इतने दिन कहां थे, क्या कर रहे थे, और सबसे अहम सवाल, भगदड़ के बाद बाबा हादसे की जगह से भागे क्यों? ये सभी सवाल अभी तक सिर्फ सवाल ही बने हुए हैं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो प्रशासन के पास है, ना ही आयोजकों के पास और ना ही जनता के पास। लेकिन बाबा का अब जो बयान सामने आया है, जिससे सहमत होना शायद लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। बाबा के बयान का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, उस पर एक शरारती व्यक्ति ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि सुबह पहले सेट हो गया था या रात की उतरी नहीं, आंखें देखकर तो यही लग रहा है। दूसरे व्यक्ति ने पोस्ट में लिखा कि क्या मजाक है, वह सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। एक युवती ने यह सवाल भी पूछा है पोस्ट में, पोस्ट करते हुए कि वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना कब बना रहा है। इन व्यक्तियों की बातों से तो साफ लग रहा है कि बाबा के समर्थन में नहीं, बल्कि ये बाबा के विरोध में हो। अब बात करें, बाबा ने ऐसा क्या कहा है जिसका वीडियो हर प्लेटफॉर्म पे लोग देख रहे हैं। दरअसल बाबा के वीडियो में कुछ सेकंड तक तो बाबा मौन रहता है, इसके बाद कहता है कि भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे, कृपा सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें, मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सूरजपाल ने आगे कहा कि हमने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें और सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। बता दें, हाथरस हादसे के बाद बाबा पर अभी तक कोई FIR तक नहीं हुई है। पुलिस के FIR में भी उनका नाम नहीं है, लेकिन बाबा को ढूंढा जा रहा है। पुलिस बाबा को गिरफ्तार करेगी, बाबा से पूछताछ करेगी, जैसे कई बातें उभर कर सामने आ रही हैं। यानी FIR में बाबा का नाम तक नहीं है और ना ही पुलिस और जिन नेता बाबा के खिलाफ कार्रवाई के लिए जोर दे रहे हैं। बस हादसे को लेकर जनता प्रशासन पर ही सवाल उठा रही है, पर बाबा सामने नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, ये वही बाबा है जिन्होंने हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के बाद मची भगदड़ की जगह से गायब हो गए थे, जो ना तो आश्रम में थे और ना ही कहीं और, ना ही इनके होने की कहीं और की सूचना भी मिल रही थी। अब अचानक बाबा ने एक वीडियो जारी करके दुख जता रहे हैं। बता दें, हाथरस कांड के मुख्य आरोपी सेवादार देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने शुक्रवार रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ IG शलम माथुर ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि देव प्रकाश को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरी ओर सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि देव प्रकाश ने दिल्ली में पुलिस के सामने खुद समर्पण किया है।
अब इस हादसे पर प्रशासन बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल। नमस्कार।